हेलो वीवर्स, तो मैं अब आ चुकी हूँ बटरस्कॉच केक की रेसिपी और ट्यूटोरियल लेके। तो मुझे यकीन है कि आपने मेरा इससे पहले का कैरेमल सॉस और प्रलाइन की रेसिपी ज़रूर देखी होगी। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल एक्से फूड पर और मैं हूँ फलक। तो यहाँ पे जो मैंने बेस यूज़ किया है ये नॉर्मल वेनिला बेस की ही रेसिपी है, पोलो की है। बस इसमें एसेंस जो है बटरस्कॉच एसेंस और कुछ प्रलाइन के पीसेस डाले हैं। तो इस तरह से इसे हम कट कर लेंगे स्लाइसिस में। अब बोर्ड पे लगा देते हैं थोड़ी सी विप क्रीम। ये विप क्रीम में भी मैंने थोड़ा सा येलो कलर और बटर स्कॉच एसेंस डाला है ताकि इसमें बटर स्कॉच फ्लेवर आए। अब यहाँ पे थोड़ा सा शुगर सिरप सिंपल वाला डाल देंगे सोक करने के बाद में विप क्रीम, और उसके बाद प्रलाइन जो है क्रश करके डालेंगे। अब यहाँ पर डाल देंगे ये बटर स्कॉच सॉस। ये दोनों ही चीज़ें होममेड है, इसका ट्यूटोरियल मैंने पिछले वीडियो में अपलोड किया हुआ है। ये सारी चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे मिक्स कर लेंगे बेस पे ही और दूसरी लेयर रख देंगे। इसी तरह से टोटल चार लेयर का केक है, चार बेस लेयर का। तो मैंने सारी असेंबल कर दी है प्रोसीजर रिपीट करते हुए। तो अब हमें ऊपर से और साइड से पूरी तरह से इस केक को कवर करना है विप क्रीम से। तो अच्छी तरह से पहले हम यहाँ पे क्रीम लगा देंगे और फिर उसे स्क्रेपर से या फिर पैलेट नाइफ से स्मूथ करना शुरू करेंगे। तो मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट स्क्रेपर लगता है। आप अगर पैलेट नाइफ को कन्वीनियंट समझते हैं तो आप उससे स्मूथ कर सकते हैं। तो ये मैंने साइड्स को स्मूथ कर ली है। अब वैसे ही हमारा क्रम कोट आप समझ लीजिए, क्योंकि हम इसे एक बार फ्रीज करके दोबारा से कोट करने वाले हैं। तो ये रफ कोटिंग हो गई है हमारी साइड में और ऊपर एक ऐसे टेक्सचर दे दिया है स्पून से। अब ये जो थोड़ा थोड़ा पार्ट दिख रहा है क्रम्स का साइड से केक पे, वो हम बाद में कोट करेंगे। अब यहाँ पे जो आपने देखा होगा कि पिनाटा बॉल्स थे, वो मैं बता देती हूँ कि मैंने कैसे बनाया है। इस तरह की पिनाटा मोल्ड आती है तो उसमें मैं इस तरह से वाइट चॉकलेट डाल के अच्छे से कवर कर दूंगी। तो मोस्टली होता क्या है कि ये साइड से तो कवर अच्छे से हो जाता है, लेकिन जो इसका ऊपर का एजेस है ना, वो पतला रह जाता है। तो आप जब इसे डीमोल्ड करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है। तो उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इस तरह से ब्रश से अगर चाहें तो चॉकलेट को अच्छी तरह से साइड्स पे भी लगा सकते हैं ताकि वो थोड़ी थिक लेयर बने वहाँ पे। अब जहाँ पर भी कम ज़्यादा कुछ चॉकलेट है तो आप एडजस्ट कर सकते हैं स्पून से। इसे हम रेफ्रिजरेट कर लेंगे 5 मिनट के लिए, बिल्कुल आसानी से ये सेट हो जाता है। अब हमने केक फ्रीजर निकाल दिया है और जो इसका क्रम कोट हो चुका था फाइनल कोट कर देते हैं। तो विप क्रीम अच्छे से कवर कर देंगे दोबारा से हम। तो जो भी यहाँ पे पार्ट्स दिख रहे थे अंदर से, जो केक दिख रहा था, वो सारा यहाँ पे हाइड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना ब्यूटीफुली कवर हो चुका है और मैंने बोर्ड भी अच्छी तरह से वाइप कर लिया है। अब जो हमने पिनाटा बॉल फ्रीज करने रखा था उसे हम कर लेते हैं डीमोल्ड। ये देखिए कितनी इजीली डीमोल्ड हो रहा है और इसका साइड भी जो है ब्रेक नहीं हुआ। बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे डीमोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने अंदर सरप्राइज के तौर पे बटर स्कॉच सॉस और प्रलाइन डाल दिया है। अब यहाँ पे जो इसके आप एजेस देख रहे होंगे अनइवन है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, 30 सेकेंड्स के लिए अवन में डाल दूंगी एक अवन सेफ प्लेट। और जब ये अच्छे से हीट हो जाएगी 30 सेकेंड में, तब यहाँ पे हम जो इसके एजेस है एक बार इस तरह से रफली घुमा देंगे। तो ये दोनों जो सरफेस मतलब इसके जो एजेस है वो स्मूथ हो जाते हैं और इवन हो जाते हैं, तो ये एक के ऊपर एक इजीली बैठ जाता है। ये देखिए बराबर से हमारा ये जो बॉल है बंद हो चुका है, पिनाटा बॉल। अब यहाँ पे थोड़ा सा गोल्डन डस्ट लगा देंगे इस तरह से ब्रश से। ये देखिए दोनों बॉल्स रेडी है और कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं, और साथ ही में इसमें सरप्राइज भी है। तो अब केक के ऊपर इसे प्लेस कर देंगे इस तरह से, साथ ही में जैसे कि ये न्यू ईयर के ओकेजन पे बना हुआ केक था, तो मैं इस तरह का न्यू ईयर का केक टॉपर लगा दूंगी साइड से दोनों बॉल्स के बीच में। और ये प्रलाइन के जो मैंने चंक्स रखे थे आपने वीडियो में देखा होगा, बड़े चंक्स मैंने रख दिए थे, सारे क्रश नहीं किए थे, तो मैं यहाँ पे इस तरह से यूज़ कर रही हूँ। तो जो केक का नीचे का साइड है वहाँ पे भी लगा दिया है। अब जो हमारा बटर स्कॉच सॉस था मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिया है, तो हमें इसीलिए इसे थिक नहीं करना था, ज़्यादा थिन रखना था थोड़ा सा, ताकि ये जब जब रूम टेम्परेचर पे आता है तो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे ड्रिपिंग ईजी पड़ गई है हमारे लिए, यहाँ पे थोड़ा सा ड्रिप कर लिया है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये है बटर स्कॉच नट्स, तो ये आपको शॉप पे रेडीमेड मिलता है। तो डेकोरेशन के लिए मैंने थोड़ा सा यूज़ कर लिया है, ये मेरे पास रखा हुआ था इसके लिए यूज़ किया है, वरना मैंने सारी चीज़ें होममेड ही यूज़ की थी इस केक में। तो थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए यहाँ पे लगा देंगे। अगर आप चाहे तो जो प्रलाइन आपने क्रश करके पाउडर बनाया होगा वो भी यहाँ पे साइड में डस्ट कर सकते हैं। और ये हमारा ब्यूटीफुल सा केक बनकर रेडी हो गया। इसके साइड्स में मैंने गोल्डन डस्ट में पानी मिला के इस पर थोड़ा सा स्प्लैश किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।